रहीकूमारी अपनी फैमिली के साथ इन शी मिया वाली के दरिंदे बाप को गिरफ्तार करने वाले डीपीओ इस्माइल खाड़क का पहला इंटरव्यू डी पी ओ भी इंतहाई भयानक मौत देख कर काम गए मुझे लगा की गला दबा कर मारा गया होगा हस्पताल पहुंचने पर मुझे मालूम हुआ की नन्ने जिसम में सिर्फ सुराख ही सुराख हैं डी पी ओ मियाँ वाली के तहल का इनकशाफात आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं ज़रूर देखिए वीडियो को आखिर तक आपने मुलायज़ा करना है और अगर आपको लगता है आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बरबक़्त मिलती रहे तो डी पी ओ जान डी पी ओ मियाँ की जानव से जो तहल का किए हैं जब मेरी मेरे रिपोर्टर्स से बात हो रही थी मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो यकीन माने मेरे रोंगटे खड़े हो गए मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम तो यहाँ पर बयान करते हुए खौफ खौफजदाएं ना हम तो यहाँ पर बोलते हुए आप अपने घरों में बैठ जब खबर आप तक पहुंची तो हम आप लोग काफी डर गए परेशान हो गए कि ये क्या मामला हुआ जिन्होंने क्राइम सीन पर जाकर सबसे पहले ये सारा देखा ये मामला देखा वो भी इंसान है ना पुलिस वाले भी इंसान होते हैं उन्होंने जब देखा तो वो डर गए वो डर जो है स तरह से उन्होंने महसूस किया उन पर क्या बीती वो जब वहां पर पहुंचे तो वो क्या सोच रहे थे जब उनको कॉल आती है और वहां पर जाकर क्या मंजर थे वो मंजर मंजरकुशी जो उन्होंने की है यकीन माने कि उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो मैं आपको बताती हूं मियाँ वाली में जी छह मार्च को ये अफसोसनाक वाक्य पेश आता है जिसने हर शख्स को खून के आंसू रुलाया हर शख्स जो दिल रखता है जिसके अपने बच्चे हैं उसकी रूह काम गई कि क्या इस तरह के भी लोग होते हैं जो अपनी सगी औलाद को इस तरह से मौत के घाट उतार देते हैं पुलिस ने इस दरिंदा सिर्फ बाप को चार रोज की सख्त मेहनत के बाद गिरफ्तार किया और अब आपको पता है कि अदालत के, अदालत के ने इसको तीन रोजा पे पुलिस के हवाले कर दिया है अच्छा जी जिसने रोज़ की मासूम जन्नत को पांच गोलियां मार के मौत के घाट उतारा उस बच्ची का कसूर सिर्फ यह था कि वो एक लड़की थी वो लड़की जिस शख्स ने मारा मैं सोचती हूं उसकी बहन भी लड़की है उसकी मां भी औरत है और उसकी बीवी भी औरत है जो पैदा करने वाली है वो भी औरत है तो जो पैदा हुई है उससे तो इतनी नफरत कैसे कर सकता है जालिम? अच्छा जी डीपीओ पी वाली इस्माइल खाड़क ने जो है अहम तरीन इंकशाफा किए उनके मुताबिक 6 मार्च को 15 पर एक कॉल आती है कि एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया वो कहते जी काफ़ी अजीब कॉल थी छोटी कॉल थी लेकिन डी के मुताबिक ऐसे वाकियात नॉर्मल हैं होते रहते हैं मगर हमें नहीं मालूम था कि जिस बच्ची को मारा गया जिस बच्ची को मौत के घाट उतारा गया वो इतनी छोटी और मासूम बच्ची होगी वो कहते जी एक छोटी सी कॉल थी कॉल करने वाला काफी घबराया हुआ था तब कॉल आती है और ये मामला होता है तो एस एच ओ साहब और डी एस पी साहब वो कहते हैं जी फ़ौर रिस्पॉन्ड करते हैं और इन लोगों ने जो है फॉरेंसिक टीम्स को साथ रवाना किया डी पी ओ के मुताबिक जब उन्होंने मुझे बताया कि एक बच्ची जो है वो मारी गई है उसके वालद ने उसे मारा है और बच्ची सिर्फ़ और सिर्फ सात दिन की थी तो डी पी ओ खाड़ा के मुताबिक फिर वो डायरेक्ट हस्पताल पहुँचते हैं यानी कि सोचें जो लोग उस वक्त क्राइम सीन पे पुलिस वाले पहुंचे होंगे उन्होंने बच्ची की हालत देखी होगी और जो माँ वहाँ पर मौजूद थी बच्ची का नाना बच्ची की माँ कैसे शौक़ में ना जाए क्यों ना उसको गशी के दौरे पड़ें जब पुलिस वाले जो हैं वो कहते हैं हमारी रूह काम गई हम डर गए हम खौफजदा हो गए इतनी छोटी बच्ची के साथ ये सब कुछ तो जिन्होंने उस वक्त ये सब कुछ होते देखा होगा उन पर क्या गुजर रही होगी और एक माँ पर क्या गुजर रही होगी ये हम तस्वुर नहीं कर सकते अल्लाह ताला कभी किसी के साथ ऐसा ना करे आमीन सुमा आमीन कहते हैं डी पी ओ साहब कहते हैं कि मुझे इल्म नहीं था कि उसे इस तरह से मारा गया होगा मुझे लगा कि जी गला दबा कर मारा होगा और इससे ज़्यादा और कोई कैसे मार सकता है एक सात दिन के बच्चे को कहते हैं जी जब मैं अस्पताल पहुंचता हूं मैंने बॉडी देखी तो मैं सख्ते में आ गया काफ़ी देर तक मैं जहां पर खड़ा था वहीं पर खड़ा रह गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे रिएक्ट करूं मैंने बहुत सारे क्राइम सीन्स देखे हैं मैंने बहुत सारे अमवाद देखी हैं मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो अब हमारे लिए नॉर्मल है लेकिन कहते हैं कि जब मैंने इस बच्ची की बॉडी देखी कि सात दिन की बच्ची की बॉडी में इतने सुराख थे कि समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ कित जुल्म हुआ है और इसको मारने वाला या जुल्म करने वाला जो है इसका बाप है ना सिर्फ वो कहते हैं कि पूरी बॉडी में सुराख ही सुराख थे बल्कि बच्ची के सर का पीछे वाला हिस्सा जो है वो बुरी तरह उस पर चोटें लगी हुई थी आप सबको पता है जब उसने उठा के उसको नीचे पटका था आ, डी पी ओ इसमाइल खाड़क साहब कहते हैं कि जी मैं जो हूँ वो शॉक हो गया मैं शौक में चला गया हमें उस वक्त बच्ची के बाप पर वो कहते हैं बहुत गु़स्सा आया और हमने उसी वक्त सोच लिया था फ़ैसला कर लिया था कि ना सिर्फ़ हम इसको सख्त से सख्त सक्स सज़ा दिलवाएंगे इसके खिलाफ़ सख्त लीगल एक्शन लिया जाएगा बल्कि अब हमने वो काविशें शुरू भी कर दी हैं कि ऐसी चार्जशीट बनाई जाए इससे हर चीज़ उगलवाई जाए कि ऐसा कभी कोई और कर ना सके डी के मुताबिक ये वाक़ा इतहाई अजीब था जहाँ पर कत्ल करने वाला बाप जो है वो पढ़ा लिखा है रिश्तेदार भी इसके पढ़े लिखे हैं और ये लोग जो हैं नौकरी पेशा अफराद हैं तो अब जो डी पी ओ साहब हैं इसमाइल खाड़क के मुताबिक शायद घरों में अब तरबियत के इशूज़ हैं उन्होंने बताया कि जी शायद तरबियत उस तरीके से नहीं की जाती या स्कूल और कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं लेकिन उनको तालीम उस तरह से उस चीज़ें बेसिक समझाई नहीं जाती करेक्टर बिल्डिंग के इश्यूज हैं पहले वालदे बच्चों को जो है गलत और सही की पहचान बताते थे और अब तो वो कहते हैं कि मारते भी नहीं है के मुताबिक अब शायद बच्चे बिगड़ चुके हैं और जब ये गलत काम करते हैं जैसे आपको पता है कि दरिंदे जायद जाफर को आ, उसके वालदेन ने कितना बिगाड़ा हुआ था वो कितने गलत काम करता था इसी तरह बहुत सारे ऐसे मामले बच्चों को बिगाड़ देते हैं डीपीओ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी वाले का एक रोल है बच्चों को बिगाड़ने पर बच्चों को डांटते नहीं है मारते नहीं है समझाते नहीं है फिर बच्चे इस तरह के गुना करते हैं डी ने कहा जी इस शख्स को हमने जो है गिरफ़्तार बहुत मुश्किल से किया है बहुत ही चैलेंजिंग फेस था इसको गिरफ़्तार करना आसान नहीं था क्योंकि ये काफ़ी शातिर इंसान है आ, हमने जो है तीन टीमें तश्कील दी उन्होंने तकरीबन तीस के करीब रेड्स की दर्जनों लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया और इंटैरोगेट किया गया मुझे नहीं लगता था कि हमारी पूरी टीम वो कहते हैं जी हमारी पूरी टीम जो है वो सोई नहीं है इतने दिनों वो मैक्सिमम तीन से चार घंटे की नींद लेते थे और हम लोग सख्त जो है वो कर्व से गुज़र रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से हम इस शख्स को गिरफ़्तार करें ये दरिंदा ये ालिम शख्स इतना ख़तरनाक था कि ये बाहर लोगों के लिए भी ख़तरा बढ़ सकता था वो कहते जी मैं ख़ुद भी नहीं सोया और चार दिन बाद अब जब इसको पकड़ लिया है हमने भक्कर से इसको पकड़ा था ये वहाँ पर छुपा हुआ था और जो है बड़ी शातिराना अंदाज़ में ये गेम्स खेल रहा था हम जब छापे मारते थे वहाँ से निकल जाता था वो कहते जी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और जो उन्होंने बताया कि तीस के करीब इन्होंने चार दिन में की किए और मुख्तलिगेट किया है तो चीज़ें आसान नहीं है बहुत सारे मुखबिर जो हैं उन्होंने इतला दी जब ये लोग छापे मारते थे वहाँ पर तो ये वहाँ से नौ दो ग्यारह हो जाता था अब जो है डीपीओ के मुताबिक हम प्रोसिक्यूटर से रबते में है हर हाल में हमारी कोशिश है कि हम ऐसी चार्ज शीट फाइल करें ऐसी चार्ज शीट बनाएं कि इसका निकलना वहाँ से जो है वो नामुमकिन हो जाए अमूमन आप लोग जानते हैं कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में सबसे पहले तो देखें जी पुलिस काम नहीं करती अगर आप पुलिस काम कर ही रही है क्योंकि पुलिस भी साहिब औलाद है ना आप देखें डी ने जो एक पूरी स्टोरी बताई उन्होंने जो चीज़ें बताई कि मैं खुद सकते में आ गया इंसान तो है ना हम ये बात सोचते हैं कि कोई कितना बड़ा भी कोई तोब खान क्यों ना हो इंसान है बच्चों वाला है साहब औलाद होता है उसको पता होता है कि जी किस तरह से तकलीफ से रन से गुजरते हैं किस तरह से आपके बच्चे को कोई इस तरह से मार दे तो आप जीते जी मर जाएंगे तो उन लोगों ने ये तहिया किया उन्होंने काफ़ी काविश का मुजाहरा किया उन्होंने काफ़ी मेहनत की और ये बहुत अच्छी चीज़ है हर केस में इतनी ही मेहनत करनी चाहिए ताकि जो दरिंदे हैं वो दरिंदगी करना छोड़ दें सिस्टम को इतना अच्छा बनाना चाहिए कि पुलिस अपना काम अच्छे अंदाज में करे उसके बाद अदालतों जो है किस को लटकाया ना जाए और जो हकूमत है जो है उनको चाहिए कि वो खुद फरीक बने वो खुद आए ताकि जो है बाकी जो केस दर्ज करवा रहा है वो माफ ना कर दे आगे चल के क्योंकि डराया धमकाया जाता है तो अब इस केस में डीपीओ साहब ने जो है काफी चीजें बताई और उन्होंने ये भी कहा कि वो शॉक थे ये एक तकलीफ दे कहानी है क्योंकि उस बच्ची को इतनी बुरी मौत कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता कोई किसी जानवर के साथ वो नहीं कर सकता जो इस शख्स ने अपनी बच्ची के साथ किया डी साहब जब ये बता रहे थे ना मुझे तकलीफ उस वक्त हो रही थी मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी जब उन्होंने कहा कि मैंने बच्ची को देखा और बच्ची के जिसम में सिर्फ सुराख ही सुराख थे यकीन करें दिल टूट गया अल्लाह ताला जी इस दरिंदे को सख से सख्त सक सज़ा दे आमीन सुमाम अल्लाह तला हम सबकी मदद करे हम लोग काविश कर रहे हैं आप लोगों की पावर बहुत ज़्यादा है आप लोगों को अपनी पावर का अंदाज़ा मेरे ख्याल में है इसीलिए आप लोग सपोर्ट करते आपने नूर मुकदम कतल केस को सपोर्ट किया अब इस बच्ची मासूम बच्ची को भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हम तब तक इसको इंसाफ़ नहीं दिला सकते जब तक आप लोग आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाला तक ये हमने बावर करवाना है कि हम इस तरह के जुल्म को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे सिस्टम में तब्दीली लानी पड़े जो मर्ज़ी करना पड़े लेकिन इस दरिंदे को हर हाल में सज़ाए मौत एज़ सुन एज़ पॉसिबल होनी चाहिए उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है कमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से अपनी राय का इजहार करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है उसको पिन कर दिया है लिव लाइक मारिया जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें